माहौल बहुत गर्मा गर्म है। गोश्त बिल्कुल अपने प्रोटेक्शन वाले उसमें है, मैक्स के ब्लैक। देखो मैक्स कैसे प्रोटेक्ट करता है। अहो बिच्छे तो पूंछ हिल गई, कुत्ता होता तो लड़ाई हो जाती। नॉटी है गोश्ती हमारा। हाँ जी, तो यह है हमारा गोस्टू। अब दिखने में तो यह है भेड़िया, पर एक्चुअल में है ये एक भेड़, क्योंकि साल में दो बार ये अपनी बॉडी से ऊन को शेड करता है। और आज हम इसी चीज में इसकी हेल्प करने वाले। ये जो पूरी प्रोसेस है थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, पर बड़ी मजेदार भी है। हम हर बार बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि गोस्टू से कितना ऊन निकलेगा। तो चलिए 2021 की हमारे गोस्टू की ग्रूमिंग शुरू करते हैं। फिर चलना है बॉस ने कुछ। हाँ ना, सीधे दरवाजे पे ऑफिस जाना है। क्यों जाना है ऑफिस आपको बताइए? बिल्ली बिल्ली देखने के लिए। चलो जी आ जाओ, कंघी करनी है भाई की। चलो फाइनली आज बॉस को ग्रूम कर देंगे हम। पहले तो दोस्तों गेट खुला रहता था ना, ये वाला गेट, भाई भाग जाता था ये। चलो आजकल थोड़ा कंट्रोल आ गया, थोड़ा बड़ा भी हो गया ना, एज में मैच्योर हो गया। अभी भी देखो पूरा बात ऑफिस ऑफिस जाना है भाई, ऑफिस। हाँ चलो। सो गाइस, आपने ये देखा होगा कुछ दिनों से गोस्ट का जो कोट है ये बड़ा अजीब सा हो गया। और ये क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये शेडिंग कर रहा है। अब शेडिंग क्या होती है ये आपको समझाता हूँ मैं इन शॉर्ट। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो गोस्ट है, जैसे हम गर्मियों में अपनी स्वेटर उतार देते हैं, ऐसे ये जो नॉर्दर्न ब्रीड्स होती हैं ये भी गर्मियों में अपनी स्वेटर उतार देती हैं। तो ये जो इसका इनर कोट है, बेसिकली ये आउटर कोट है ब्राउन वाला, और जो वाइट वाला आप देख रहे हैं ये इनर कोट है। तो गर्मियों में क्या होता है, आउटर कोट तो अपनी जगह रहता है एज यूजुअल, इनर कोट निकल जाता है ये जैसे दिख रहा है आपको। तो ये आपको ना कंघी करके निकालना होता है, लूज़ हो जाते हैं। और बहुत टाइम से गोश्त को मैंने इसलिए ग्रूम नहीं किया क्योंकि मैं चाहता एक साथ इसकी कंघी कर लूं। इसके जो बाल हैं गोस्टू के उसे मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने पिछली भी दो बारी से आपने देखा होगा इकट्ठा कर रखे हैं, तो उससे कुछ बनाएंगे बड़ी मस्ती चीज़। अभी जो आउटर कोट है ये क्यों नहीं शेड होता, इनर ही क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इनर कोट इसको वार्म करता है और जो आउटर कोट होता है वो इसकी स्किन को शेड करता है, ठीक है। तो जो हार्श लाइट होती है, धूप जो होती है ना, इनकी स्किन जो होती है हीट अब्जॉर्ब करने के लिए बनी होती है। तो इतनी ज़्यादा धूप अगर पड़ेगी तो स्किन कैंसर और स्किन रिलेटेड डिजीजेज हो जाएंगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कोट है। तो इसके थ्रू क्या होता है, हवा देखो कितना फ्लफी है, इसके थ्रू हवा अंदर चली जाती है, बॉडी ठंडी हो जाती है। पर जब धूप होती है तो धूप से इसकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है ये कोट। तो सिर्फ अंदर का कोट निकलता है जो कि आज हम निकालने वाले हैं। सो दोस्तों आज जो हम काम करने वाले हैं उसके लिए अलग अलग तरह के ब्रशेज आते हैं। देखो एक इस तरह का ब्रश आता है, एक इस तरह का ब्रश आता है, पर जो ब्रश हमें काम आएगा वो है ये ब्रह्मास्त्र। ये कंपनी है फर्मिनेटर बेसिकली। अब ये सारे ब्रशेज इसी नाम से मिलते हैं आपको, और ये स्पेसिफिक गोश्त के जैसे जो डबल कोट होते हैं ना उसके लिए ब्रश आता है। आ जा गोश्त। तो भाई साहब आ चुके हैं, प्लीज भाई साहब बैठिए शांति से। हाँ वैसे दोस्तों सबसे ज़्यादा मज़ा तो आता है हाथ से निकालने में, ऐसे ये तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, पर फिलहाल कंघी से निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा है क्योंकि। और ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये गोश्त के केस में तो मैं ही कर सकता हूँ, नहीं तो ये बाकी को तो डरा देगा। देखो, और पिछली बार मैंने वीडियो डाला था मम्मू, तो सब बोल रहे थे कि भैया आप ट्रिम कर रहे हो, ट्रिमर कौन सा है? ये ऐसा लगेगा दोस्तों ट्रिम कर रहा हूँ, ये ब्रश है, ठीक है। ये लूज बाल है, देखो ये देखो। कभी कभी भागने नहीं है। जो कपड़े मैंने पहने हैं दोस्तों, जो कलर है मेरे कपड़ों का वो उतना सूटेबल नहीं है, पर मेरे पास कपड़े ही यही कलर के हैं तो मैं करूँ क्या। ओ सॉरी, मेरे से बाल खींच गए। ये तो दोस्तों इतना टेम्पटिंग है ना, इसके पैरों पे जो है ये बॉडी हमने लाइट से कनेक्ट करी थी, जब बंद हो जाती तो बन रहा है। सॉरी बेचारा, अगेंस्ट द फ्लो कर दिया ना मैंने। सॉरी बेटा, सॉरी, काटना मत ना मेरे को। बेचारा कितनी देर से मुंह बना रहा था। एक्चुअली किसी और को तो अभी तक ये कर दिया होता उसने,
छेद हो गए होते उसके, मेरे लिए थोड़ा लिहाज कर देता है बाप होने के नाते। A few moments later, मैं जितने बार कंघी कर रहा हूँ उतने बार बाल निकल रहे हैं, निकलते निकलते ही जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं यार। मतलब दोस्तों इतने बाल निकल चुके हैं एंड अभी जैसे ये साइड आपकी पूरी साफ दिख रही होगी ना, मैं फिर कंघी करूंगा फिर बाल आ जाएंगे। गुच्छा आ रहा है, गुच्छा आ रहा है, गुस्सा यहाँ पे भी कर दूँ गुदरी हो रही है। हाँ अरे गुदगुदी नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, करा ले रहा है मेरे से, कोई और होगा तो उसको तो सूती देगा गोश्त। चलो हो गया जाओ। दोस्तों एक साइड गोश्त की हो गई है तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सो गोश्त का जो हेयर ग्रूमिंग है वो तो हो रहा है, अब अपना हेयर ग्रूमिंग करा लेते हैं। मैं मोमो को भी बुलाया था कि अभी नहाऊंगा ना इसके बाद में तो तेल लगा लेता हूँ सर पे। खूबी करा रहा है क्या हुआ गोश्त, क्या देख रहा है, कहाँ है बिल्ली तो है नहीं, अच्छा है ये रही बिल्ली। दोस्तों अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ये सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अपने बालों का अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं हम लोग। और ये जो ऑयल है ये है मामा अर्थ का न्यू एंड इम्प्रूव्ड अनियन हेयर ऑयल। जो अनियन होता है दोस्तों ना, ये एक बहुत ही मिराकुलस किचन इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत पुराने टाइम से बालों की ग्रोथ और बालों की हेल्थ को अच्छा करने के काम आता है। प्लस दिस है सल्फर, तो इससे भी आपके बाल स्ट्रेंथन होते हैं और ज़्यादा नरिश होते हैं। ये जो ऑयल आप देखोगे ये देखो कितना कंसिस्टेंट है और कितना लाइट है एंड स्पेशली नॉन स्टिकी भी है। ये भी लगा लें चंपी, लॉकडाउन में तो यही चंपी नसीब है, मतलब अच्छी अच्छा है मोमो, थैंक्स। दोस्तों जो मामा अर्थ की अनियन हेयर रेंज है ये बेसिकली आपके हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए है। अच्छे से ऑयलिंग हो गई मेरी, अब गोश्त के बाल ग्रूम करने के बाद मैं घर जाके नहा लूँगा और मैं यूज़ करूँगा अनियन शैम्पू प्लस आई यूज़ अनियन कंडीशनर। ये जो अनियन शैम्पू है इसमें मेन इंग्रेडिएंट अगेन अनियन है, प्लस इसमें केराटिन है, इससे बालों को नरिशमेंट मिलता है, बाल स्मूथ सिल्की और शाइनियर हो जाते हैं, प्लस जो फ्रिजीनेस है जो ड्राइनेस होती है बालों में वो भी रिड्यूस हो जाती है। दोस्तों मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत अमेजिंग है, बट उनको पसंद करने का एक रीज़न और है और वो है उनका एनवायरनमेंट की तरफ कंट्रीब्यूशन। रिसेंटली उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने 100,000 ट्रीज ऑलरेडी वो प्लांट कर चुके हैं, प्लस 1135 मीट्रिक टन प्लास्टिक वो रिसाइकिल कर चुके हैं, प्लस उन्होंने 50,000 सैनिटाइजर्स और 20,000 क्लॉथ मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए थे कोविड हीरोज़ को। अगर उस रेंज से परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं Husky2021, इससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस मामा अर्थ का ऐप भी लॉन्च हो चुका है तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उस ऐप में आपको अर्ली सेल्स और जो भी डिस्काउंट्स होंगे वो आपको पहले मिल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। चंपी वगैरह सब हो गए दोस्तों, अब गोश्त की ग्रूमिंग कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये वाली साइड अब कंपैरेटिवली क्लीन हो गई है गोश्त की, पर अगर आप ये वाली साइड देखोगे तो ये देखो अभी भी मैक्स रुक जा, अभी भी देखो कितनी कितने ज़्यादा बाल हैं। तो ये वाली साइड हमने क्लीन कर लिया, वाली साइड की बारी है। मैक्स क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग? एक्चुअली बाहर कैट है ना, वो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बोलते तो ट्रिगर हो जाता है भाई हमारा, चले जाएगा देखने के लिए। वो कैट की आवाज़ आ रही है नीचे से तो उससे भी गोश्त थोड़ा थोड़ा हाइपर हो रहा है। बैड टाइमिंग। ये देख रहे हो दोस्तों कितना ज़्यादा ऊन इसके बालों से निकल रहा है और लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारा इसकी तो दिल्ली हैदराबाद राजस्थान ओ हो उसको गर्मी नहीं लगती। कम ऑन मैन, किसको झूठ बोल रहा है यार आप लोग, इतना फर लेके कोई गर्मी में खेल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, पिथौरागढ़ में गर्मी लगती है गोश्त को, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। कोई नॉर्दर्न ब्रीड को गर्म जगह में पालते हैं ना, कई सारे लोग ख्याल रखते हैं यार, बहुत ख्याल रखते हैं, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर वो लोग कितने होते हैं 1%, और जो 99% लोग हैं वो कितनी बुरी हालत करके रखते हैं अपने डॉग की यार। और हालत ना भी करो आप, तो जब उसको आपने नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं दिया है तो वो कैसे रहेगा? ये ब्रीड है, इसको इतनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, इसको दौड़ना भागना बाहर घूमना ट्रैक करना स्निफ करना पुल करना ये सब चीज़ें पसंद हैं। तो अगर आप प्यार करते हो इस ब्रीड से नॉर्दर्न ब्रीड से और अगर आप गर्म जगह में रहते हो तो देखो प्यार का मतलब हमेशा हथियाना नहीं होता है, समटाइम्स लविंग इज ऑल्सो लेटिंग गो। लग रहा है कि हो गए, ओह म्याऊं करी ना कैट ने। चलो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जा। 2 hours later. देखो दोस्तों कितने सारे बाल हैं ये भाई साहब, ये तो व्हाइट फ्लोर है ना, आपको दिख नहीं रहा है इसमें, देख लो शैतान को अपनी खेती के साथ खड़ा है।
दोस्तों फिलहाल हमारी भीड़ ने जो प्रोडक्शन किया है आज, तो वो ये रहा आपके सामने। तो इसको मैं ये पैकिंग जो लेटर बॉक्स है ना, फिलहाल इसी में भर लेता हूँ। फिर इसको अच्छे से कहीं पेटी में स्टोर कर देंगे। पुराना भी बहुत सारा स्टोर पड़ा है हमारे पास। अरे बाप रे, गोश्त तेरे से निकला बेटा ये। एंड दोस्तों ये अभी मैं आपको बताऊँ, इस सीज़न की ना 25% शेडिंग है बस। ये अभी इतना 4 times और निकलेगा एटलीस्ट। देखते हैं कल फिर से करेंगे, फिर देखते हैं कितना निकलता है। पूरा भर गया। चलो कोई बात नहीं, इसको बेचेंगे हम आपको जाके अपन, ठीक है। और दोस्तों आप देख रहे होगे मेरे कपड़े पूरे गंदे हो गए ना, पर इसके लिए भी मेरे पास एक जादुई चीज़ है, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो दोस्तों ये है लिंट रोलर, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। बहुत ही सही है, मेरे को ना गाइड किया था आप लोगों को। देखो बाल लगे हुए हैं ना, ये देखो ये अपने ऊपर चिपका लेता है बालों को, जिसकी इसमें सरफेस पे ग्लू होता है और ये चिपका लेता है। एंड बाप रे, अभी वैसे नहाना तो है मैं, पर आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये। देखो अभी ये इसकी सरफेस, अगर इस पर पूरे बाल चिपक गए तो उसका ग्लू ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप इसकी ये लेयर ऐसे निकाल दीजिए, एंड देन अगेन इससे आप। भाई साहब जब से मेरी ज़िंदगी में आए ना, ये मेरी हर जगह रखा है, घर पे है, ऑफिस में है, गाड़ी में है, हर जगह। बहुत सही चीज़ है। मेरे मुंह पे इतने बाल चिपक गए हैं ना। गोश्त, तो गोश्त अब साफ सुथरा बैठा है। इधर मक्कू मियाँ भी बैठे हैं। मक्कू मियाँ क्या हो रहा है? एंड दोस्तों अब मैं नहा के आ गया हूँ, एकदम बढ़िया लग रहा होगा आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, अपनी राय दीजिए, एंड बताइए हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, उससे ऑब्वियसली यार आपका भाई मोटिवेट होता है, अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, घर पर रहना, सेफ रहना, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना। ओके बाय।